अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड में दिए हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जेनन फिल्म अभिनेत्री शबाना आजमी की गाड़ी का मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर एक्सीडेंट हो गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार एक्ट्रेस की कार की खालपुर टोल नाके के पास ट्रक से भिड़ंत हो गई है, जिसमें उन्हें गंभीर चोट आई है। शबाना आजमी को इसके बाद नजदीकी MGM अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। एक्सीडेंट के बाद सामने आई तस्वीरों में उन्हें गाड़ी से उतरते हुए भी देखा जा सकता है। हालांकि पीछे बैठी शबाना आजमी ने सीट बेल्ट भी लगा रखा था, इसके चलते उन्हें कम चोट आई है। शबाना आजमी की गाड़ी का एक्सीडेंट एक ट्रक से हुआ है। शबाना आजमी की गाड़ी ने पीछे से ट्रक को टक्कर मारी थी। सोशल मीडिया पर शबाना आजमी और एक्सीडेंट स्थल की कई तस्वीरें भी सामने आई है, इसमें उनकी क्षतिग्रस्त कार को भी देखा जा सकता है। रायगढ़ पुलिस के अनुसार शबाना आजमी और उनके ड्राइवर कार एक्सीडेंट में घायल हो गए हैं। यह हादसा मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर खालपुर टोल नाके के पास हुआ। वह पुणे से मुंबई वापस आ रहे थे और उनकी गाड़ी एक ट्रक से टकरा गई। जावेद अख्तर भी गाड़ी में थे, लेकिन वह सुरक्षित है। दोनों को MGM अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। शबाना आजमी बॉलीवुड की एक्ट्रेस है और वह कई फिल्मों में काम कर चुकी है। इसके अलावा वह कई विषयों पर अपनी बात भी रखती है। शबाना आजमी ने हाल ही में पति जावेद अख्तर के 75वें जन्मदिन पर एक शानदार बर्थडे पार्टी का आयोजन किया था। इसमें भाग लेने वाले बॉलीवुड के कई कलाकार पहुंचे थे। सभी ने इस मौके पर जावेद अख्तर को जन्मदिन की शुभकामनाएं भी दी थी और शबाना आजमी को शानदार पार्टी के लिए भी बधाई दी थी।